में मिल गए हमारे शिव शंभू बाबा, ज्ञान वापी में मिल गए हमारे शिव शंभू बाबा, जिनको वर्षों से निहार रहे थे श्री नंदी बाबा, जिनको वर्षों से निहार रहे थे श्री नंदी बाबा। कुछ लोग कर रहे थे कयामत की बात जी, तोड़ दिए घमंड मेरे बाबा विश्वनाथ जी, एक नहीं बारह फिट के मिल गए शंभू बाबा, एक नहीं बारह फिट के मिल गए शंभू बाबा, जिनको वर्षों से निहार रहे थे श्री नंदी बाबा, जिनको वर्षों से निहार रहे थे श्री नंदी बाबा। बोल बाबा बालेश्वर नाथ की। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम चिंटू सेवक है, मैं भजन गायक हूँ। चिंटू जी, जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो है सर्वे के दौरान आज तीसरे दिन जो है 12 फुट का शिवलिंग मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए सौभाग्य की बात है कि साक्षात बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन अब हमें मिल पाएगा, और बहुत ही खुशी की बात है। पूरे बलियामासी की तरफ से बाबा का स्वागत है, स्वागत है, और बाबा का बस जय जयकार हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है। दो लाइन जी। ओ ज्ञान वापी में मिल गए हमारे शिव शंभू बाबा, ज्ञान वापी में मिल गए हमारे शिव शंभू बाबा, जिनको वर्षों से निहार रहे थे श्री नंदी बाबा, जिनको वर्षों से निहार रहे थे श्री नंदी बाबा। वर्शिप एक्ट 1991 बना, उस पर तुरंत विचार करना चाहिए, क्योंकि जो वास्तविक मूल स्वरूप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 47 से बना है, लेकिन वहाँ पर तो दूसरी चीज़ें निकल रही हैं। जो मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट कांग्रेस द्वारा लाया गया, वहाँ पर तो हिंदू प्रतीक चिन्ह निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट को 1991 के जो भी ला उस पर विचार करना चाहिए, और हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को पुनः स्वरूप में लाना चाहिए, और पुनः सभी देशवासियों को बधाई। वैसे ही कह रहे हैं कि कयामत तक मस्जिद रहेगी। देखिए, जिनके पूर्वज स्वयं हिंदू हों, जिनके चार पाँच पीछे के पुरखे जो भी हिंदू हों, थोड़ा एक बार अपने आत्मा पर, अपने मन पर हाथ रख कर पूछें कि जो भी चीज़ें आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर से, जिसमें वो वुजू करते थे, और एक तरीके से वहाँ पर काफ़ी 20-22 फीट के बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं, वहाँ पर बाहर से कोई शिवलिंग नहीं लाया जा सकता, इतना हाईटेक कैमरे हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रकट होने का मतलब कि 1669 में वहीं पर बाबा को डाला गया था। जरा कल्पना करिए कि हमारे पवित्र स्वयंभू में ये लोग वुजू करते थे, हाथ धोना, मुंह धोना, नाक धोना करते थे, कितने हम लोग आज अंदर से व्यथित हैं, और एक तरीके से इतनी खुशी भी है। कोर्ट ने वहाँ पर किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दिया, सील कर दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पर तो मैं तो एक अधिवक्ता के नाते मैं तो वहाँ पर सिविल जज सीनियर डिवीजन को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ एकदम कानून सम्मत रहते उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि सौहार्द बना रहे। बहुत खुशी की बात है, हम लोग को प्रतीक्षा खत्म हुआ, और हम यही कहना चाहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और सुंदर ही सब कुछ है। तो आज शिव ने प्रकट होकर खुद सत्यता जाहिर की, सत्य जाहिर कर दी, और नंदी महाराज का इंतजार भी खत्म हुआ, उनके साथ साथ पूरे दुनिया का इंतजार खत्म। आपका इंतजार खत्म? मेरा तो वही है, जब दुनिया तो दुनिया में तो हम ही हैं, दुनिया में ही हम ही हैं, तो दुनिया के जब खत्म हो गए तो मेरी भी खत्म। खुशी की बचपन से मैं सुनते आ रही है, आज सत्य हुआ है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। कई बार YouTube वगैरह पे देखे भी हैं उनके बारे में, बहुत दुख हुआ था कि मतलब वो देख रहे हैं और उनको दर्शन नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, तो कोई कहने की बात नहीं है। महाराज की प्रतीक्षा खत्म हुई, बहुत सही प्रतीक्षा खत्म हुई, और भोलेनाथ का दर्शन हुआ, इससे बढ़ के कोई बात खुशी की हो ही नहीं सकती हम लोगों के लिए।